केरी पना बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कच्ची केरी, 150 ग्राम शक्कर, पानी जरूरत के अनुसार, पुदीना की कुछ पत्तियां, इसे धोकर हमने साफ कर लिया, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून सिका पीसा जीरा, नमक टेस्ट के हिसाब से, 10 से 12 केसर की पत्तियां जिसे हमने भिगो लिया है, 1/4 टीस्पून काला नमक। तो चलिए अब बनाते हैं केरी का पना। केरी को कुकर में डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, हाई फ्लेम पर 3 सीटी लेंगे। देखिए केरी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। इस पर अब ठंडा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से ठंडा करके छिलके और गुठली का पल्प निकाल लेंगे। फिर इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, शक्कर डालेंगे, हैंड मिक्सर से फेंट लेंगे। अब इसे छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे। ये हमारा बेसिक पना बनकर तैयार है। इससे अब हम पने की 3 वैरायटी बनाएंगे। केसर पना, इसमें भिगोकर पीसी हुई केसर डालेंगे और बेसिक तैयार किया हुआ पना डालेंगे। ये तैयार है हमारा खट्टा मीठा शानदार केसर फ्लेवर्ड पना। पुदीना पना, दूसरे वाले गिलास में हम डालेंगे हरी मिर्च पुदीना की पिसी हुई चटनी, 1 पिंच काला नमक, 1/4 टीस्पून सादा नमक, सिका पिसा जीरा और हमारा बेसिक पना। ये तैयार हो गया हमारा पुदीना फ्लेवर्ड पना। सादा पना, तीसरे वाले गिलास में डालेंगे चुटकी भर काला नमक, 1/4 टीस्पून सादा नमक, सिका पिसा जीरा और बेसिक पना। ये तैयार है हमारा खट्टा मीठा सादा पना। अब इसे आइस क्यूब्स डालकर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है शानदार 3 फ्लेवर्स वाले केरी पना। फ्रेंड्स देखिए, ये मॉकटेल बहुत ही सुंदर दिख रहा है और मैं आपको बता दूं, इसका टेस्ट भी बहुत ही परफेक्ट होता है। इसके लिए हम ले रहे हैं लीची क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश, पाइनएप्पल क्रश और जिंजर एल। ये सभी क्रशेस मैंने मालास कंपनी के यूज करे हैं। आप किसी भी कंपनी के क्रशेस यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ आसानी से मिल जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम मॉकटेल बनाना। इसके लिए सबसे पहले हर ग्लास में 1-1 चम्मच डाल देते हैं लीची क्रश। इसके बाद डालेंगे 1-1 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश। अब ऐड करेंगे पाइनएप्पल क्रश का 1-1 चम्मच। ये है जिंजर एल, इसका भी 1-1 चम्मच हर ग्लास में डाल लेते हैं। इसके बाद तीनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा प्लेन दूध डाल लेते हैं। अब जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा क्रश डाइस। इसके ऊपर निचोड़ देंगे हम कुछ बूंदे नींबू की। अब इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ऐड कर लेंगे 1-1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम का। फ्रेंड्स, अब मॉकटेल के लेयर्स को कलरफुल बनाने के लिए फिर से थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। तो फाइनली अब डालेंगे इसमें सोडा। ये प्लेन सोडा है, ये भी इजीली मिल जाता है, पर आप जहाँ रहते हैं अगर आपको वहाँ आइसक्रीम सोडा मिल जाए तो ये इसका बेटर ऑप्शन है। 2 आसपास वाले ग्लासेस में मैं डाल रही हूँ ये प्लेन सोडा और बीच वाले ग्लास में मैंने ये डाल लिया है आइसक्रीम सोडा। फ्रेंड्स, लकीली मैं इंदौर शहर से हूँ और यहाँ के फेमस SP जूस सेंटर पर ये आइसक्रीम सोडा आसानी से मिल जाता है। इससे मॉकटेल का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत परफेक्ट बैठता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा शानदार मॉकटेल तैयार है। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये आपको कैसा लगा। आमरस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बादाम आम के पीसेस,
दो हाफूस आम के पीसेस, यहाँ मैंने हाफूस आम के पीसेस लिए हैं। आप इसकी जगह लाल पट्टा, लंगड़ा या केसर आम भी ले सकते हैं। एक तोतापरी आम के पीसेस, इस आम से रस का टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है, एक खास तरह का चिकनापन रस में फॉर्म होता है। आधी कच्ची केरी के पीसेस, ये ऑप्शनल है। अगर आम एकदम मीठे हों तो कच्ची केरी डालने से खट्टा मीठा रस बनेगा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। शक्कर स्वादानुसार, एक कप दूध, पानी आवश्यकता अनुसार, साइट्रिक एसिड, इन केस आम एकदम बेस्वाद हो या सिर्फ मीठे हो, केरी भी नहीं मिले, तो हम दो चुटकी साइट्रिक एसिड खटाई के लिए डाल सकते हैं। इलायची 1/4 टीस्पून, फूड कलर 1/2 टीस्पून, ऑरेंज या केसरिया बोल के लेके आए। एक येलो कलर का फूड कलर भी होता है, वो हमें नहीं लेना है। हो सकता है कि आप सोचें कि आप फूड कलर क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि फूड कलर डालना जरूरी है, आमरस का स्वाद के साथ साथ सुंदर दिखना भी उतना ही जरूरी है। केसर की कुछ पत्तियां, आमरस बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में तीनों तरह के आम के पीसेस, केरी के पीसेस, शक्कर, पानी, दूध और फूड कलर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए इसका कलर अभी परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, चूंकि हम आमरस में दूध डालते हैं उससे इसका कलर लाइट बैठता है। थोड़ा सा फूड कलर और डालेंगे और एक बार फिर से पीसेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं सही कलर बैठ चुका है। छलनी से इसे छान लेंगे। इसमें भीगी हुई केसर और इलायची पाउडर डालेंगे और बादाम केसर से इसे गार्निश करके सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है तैयार स्वादिष्ट और बहुत सुंदर दिखने वाला खट्टा मीठा आमरस। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट लस्सी की रेसिपी। सबसे पहले तो दही लेंगे। फ्रेंड्स ये दही मैंने फुल फैट मिल्क से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स हम दही एकदम चिल्ड लेंगे, हम आइस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लस्सी गाढ़ी हो तभी उसका मजा आता है। अब इस दही को आप चाहे तो इस तरह से मक्खी से भी इस तरह से फेंट सकते हैं या विस्कर से फेंट लें, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है और एकदम अच्छी तरह से भी दही फेंट नहीं पाता है, इसलिए मैं दही को हैंड मिक्सर से ही फेंट लेते हैं। ये एकदम ऑप्शनल है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे कर सकते हैं। देखिए इसे हमने एकदम अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब एक चॉकलेट लेंगे, यहाँ मैं नट्स वाली चॉकलेट यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सी भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। इस चॉकलेट के पीसेस में लगभग 3 टीस्पून दूध डालेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव में रखकर मेल्ट करेंगे। आप इसे कढ़ाई में डालकर भी गैस पर मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे। दही में डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, शक्कर हम कम ही डाल रहे हैं क्योंकि चॉकलेट भी हमारी मीठी ही है। शक्कर के बाद इसमें हम ऐड करेंगे करीब 2 टीस्पून ये मेल्टेड चॉकलेट। फ्रेंड्स के स्वाद के हिसाब से आप चॉकलेट और भी ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे हैंड मिक्सर से फेंटेंगे। बस 1 मिनट में ही ये परफेक्टली तैयार हो गई हमारी चॉकलेट लस्सी। अब इसको पोर करेंगे एक गिलास में और थोड़ी सी ग्रेट की हुई चॉकलेट से इस तरह से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स ये चॉकलेट लस्सी बहुत ही टेस्टफुल होती है, आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको मेरे रेसिपी वीडियोस कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए।